I'm Dr. Ariba Farshid. I'm a supervisor of gynecology batch 8. तो मेरा तो खैर एक्सपीरियंस एज अ सुपरवाइजर तो बहुत अच्छा रहा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैच 1 में थी गायनेकोलॉजी, तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एंड देन स्लोली आई एम नाउ सुपरवाइजर. बट मेरा तो एक्सपीरियंस खैर आप लोग का एज अ टीचर बहुत अच्छा रहा, बट मैं ये चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से वन बाय वन पूछूँ कि आप लोगों ने इस बैच से क्या सीखा. बेसिकली हमारा गायनेकोलॉजी और होम्योपैथिक को मर्जअप करने का सिर्फ एक बेसिक मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो नहीं हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि होम्योपैथिक इस फील्ड में बहुत पीछे और होम्योपैथ्स नहीं कर सकते. और बहुत सारे खुद होम्योपैथिक डॉक्टर्स का भी ये माइंड सेट था कि पता नहीं हम ये केसेस सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे PCOs वगैरह के कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो हमारा इनिशिएटिव ये लेने का मकसद ही यही था कि हम लोग सिखा सकें अपने डॉक्टर्स को या स्टूडेंट्स को कि होम्योपैथिक एक बहुत अच्छी फील्ड है. उसमें पीड्स और गायनेकोलॉजी के हवाले से हमारे पास बहुत अच्छी तरह से हम केसेस ले सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. बेसिक इनिशिएटिव हमारा ये लेने का मकसद ही ये था. तो आप लोगों को सीखने को आई होप कि बहुत कुछ मिला होगा, बट हमारा ये कोर्स यहाँ पे वाइंड अप नहीं है. हम लोग का हमारा जो बैच है, जो ग्रुप है, वो बना हुआ है ऑब्वियसली. तो अभी बहुत कुछ आगे सीखना है मज़ीद हम लोगों ने. जो आप लोगों के पास केसेस हैं उन्हें शेयर करें, हम लोग से डिस्कस करें. बैच वाइंड अप हुआ है, लेकिन हम लोग की जो सीखने का प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यू है. हम लोग यहाँ आए हैं सब एंजॉय करने, एक इवेंट अरेंज किया है ताकि आप सब हमसे अच्छे से मीटअप कर लो और इस बैच से हमने जो सीखा उसको हम एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर कर सकें. आई होप कि आप सबको ये बैच बहुत अच्छा लगा होगा. यहाँ मैं एक पर्सनैलिटी का जिक्र करना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए स्टुपेंडियस पर्सनैलिटी रखते हैं और जिन्होंने मुझ जैसी बंदी को इतना कुछ बना दिया, मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं. मैं चाहूंगी आप सब जोरदार तालियों से डॉक्टर सऊद के लिए क्लैपिंग कर दें. डॉक्टर सऊद मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, मेरे लिए नहीं, मैं समझती हूँ हम सब के लिए इंस्पिरेशन है. उन्होंने जिस तरह होम्योपैथ को आगे लेके आए हैं और आगे बच्चों को मोटिवेट करते हैं. सबसे बड़ा काम होता है मोटिवेट करना बिना रेफरेंस के. यहाँ कोई बगैर रेफरेंस के किसी को मोटिवेट नहीं करता. मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि डॉक्टर सऊद शेख ने हम सबको अपने बच्चों की तरह से आगे रखा, हमें आगे लेके आए और स्टिल हमें साथ रखते. ये नहीं कि बैच खत्म हो गया, ताल्लुक ख़त्म. मेरा सितंबर में मैंने बैच किया था, स्टिल मैं सर के साथ अभी तक कनेक्टेड हूँ और सर मेरे साथ जितना कोऑपरेट करते हैं, ये नहीं सिर्फ मेरे साथ, मैं समझती हूँ सर को मैंने सबके साथ, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके साथ सर कोऑपरेट ना करते हो. इतने पोलाइट, इतने काम, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायर करती है. मैंने कभी उनको गुस्सा करते नहीं देखा. हम इतनी इतनी गलतियाँ कर रहे होते हैं, इतने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे होते हैं, पर सर उसको इतना प्यार से ऐसे करके ले जाते हैं, बोलते कुछ नहीं होता है, खैर है. तो ये वाली चीज़ भी होना बहुत बड़ी बात है. मैं समझती हूँ बैच से हम कुछ सीखे ना सीखे, सर से हम ज़रूर बहुत कुछ सीख के जाते हैं. मेरे लिए ये बहुत ऑनर है कि मैं इनकी टीम से हूँ और मुझे प्राउड होता है कि मैं डॉक्टर सऊद की टीम से हूँ. मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मुझे किसी चीज़ पे फ़ख्र नहीं है, मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि डॉक्टर सऊद मेरे टीचर्स हैं. और इवन मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ तस्करा करती हूँ, वहाँ मैं अपने पेरेंट्स का पहले नहीं करती, वहाँ मैं इनका करती हूँ. इन्होंने, मैं DHMS में नहीं थी ना, सबको पता है मैं DHMS आई इनकी वजह से हूँ. तो मुझे जिस तरह सर ने इंस्पायर किया, जिस तरह मुझे पढ़ाया, स्टिल मैं अभी भी कॉल कर करके, सर मुझे ये नहीं आता बता दीजिएगा, सर मेरे लिए स्पेशल क्लास रखते हैं और मेरे साथ फिर बाकी सारे बच्चे आ रहे होते हैं. तो सर का जो डिलीवर है वो बहुत अच्छा है. मुझे डर्मा से ऐसी ऐसी मेडिसिन पता चली, ऐसे ऐसे चीज़ें पता चली जो स्किन के बारे में नहीं पता थी, और वो मैं यूजुअली देखती थी लोगों को कि वो डिजीजेज उनमें हैं, वो चीज़ें उनमें मुझे दिखती थी, पर मैं सोचती थी इनको कैसे ट्रीट होता होगा, शायद होम्योपैथ में इसका ट्रीटमेंट नहीं है. लेकिन मैं जब यहाँ आई, मैंने देखा ऐसी क्विक रिकवरी. और आप यकीन करेंगे मेरे अपने पर्सनल पेशेंट्स जो कि मैं सर के पास लेके गई कि सर इनको ट्रीट करना है, सर ने बोला खुद करो, खुद करो, मोटिवेट किया, नहीं कुछ नहीं होगा, करो, स्टेप लो. सर ने मुझे हौसला दिया, साथ हमेशा दिया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो. मैम, मैं मैम फरीहा की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इतनी अच्छी मैम, और सच्ची सच्ची बताओ ना, इतना क्यूट से बोलते हैं, इतनी अच्छी लगती है मुझे. मेरे ये भी बहुत इंस्पिरेशन है यार. इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को, हालांकि मैं मैम से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन जब मैम से कनेक्ट किया, मैम से कुछ पूछा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैम ने मुझे उस चीज़ के लिए मना किया हो कि मैं नहीं बताऊँगी या मेरे पास टाइम नहीं है.
मैम जैसी मैसेज देखती हैं, जैसी कुछ होता है फौरन रिस्पॉन्स करती हैं। आज के दौर में किसी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का हम लोगों को क्विक रिस्पॉन्स देना बहुत बड़ी बात है। तो सब सर के लिए एक जरा जोरदार तालियां दोबारा बजाओ।